हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एक कॉलम बनाने पर क्या खर्चा आता है। बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा मैं आपको ये खर्चा कैलकुलेट करने का। वीडियो में मेरे साथ बने रहें और अगर वीडियो देखने के बाद आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें नीचे बिंदास होकर कमेंट करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ये हमारा एक 10 फीट का कॉलम है जिसका साइज है 9 इंच बाय 9 इंच, जो कॉलम साइज जनरली हम घर बनाने में यूज करते हैं। इसमें हमारे वर्टिकल बार है 12 mm डाया के और स्टीरअप्स यानी के रिंग्स है 8 mm डाया की और वर्टिकल बार्स को हमने फुटिंग में बेंड किया है 2 फीट। कॉलम की हाइट ग्राउंड लेवल तक तो 4 फीट है और ग्राउंड लेवल से स्लैब लेवल तक 6 फीट। आइए अब इस कॉलम का खर्चा निकालते हैं कि इस कॉलम को बनाने में टोटल कितना पैसा खर्च होगा। तो गिवन है हमारा कॉलम साइज है 9 इंच बाय 9 इंच का, यानी कि 0.228 मीटर × 0.228 मीटर का। कॉलम की टोटल लेंथ है 10 फीट यानी कि 3.048 मीटर। अगर मीटर में देखें तो कॉलम में वर्टिकल बार 4 है 12 mm डाया के और स्टीरअप का बार डाया है 8 mm और स्टीरअप की स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर 150 mm यानी कि 6 इंच। तो इस कॉलम का खर्चा निकालने के लिए हम 3 सुपर सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले हम इस कॉलम में लगने वाली कॉन्क्रीट की क्वांटिटी और उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे, फिर हम इसमें लगने वाले सरिये की क्वांटिटी और उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे, और तीसरे नंबर पर हम कॉलम की लेबर कॉस्ट निकालेंगे, कंक्रीट ढलाई की, सरिया बांधने और मोड़ने की और शटरिंग की। तो चलिए 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। स्टेप नंबर 1, कंक्रीट क्वांटिटी। तो कॉलम में कंक्रीट का वॉल्यूम हो जाएगा कॉलम की लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो जैसा कि आपको पता है कॉलम का साइज है 9 इंच बाय 9 इंच यानी कि 0.228 मीटर × 0.228 मीटर और कॉलम की हाइट है 3.04 मीटर यानी कि 10 फीट। इंच से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है 0.0254 से। तो सिंपली कॉलम में कंक्रीट का वॉल्यूम हो जाएगा आपका 0.228 × 0.228 × 0.3048 = 0.1584 क्यूबिक मीटर। अब अगर आप RMC यूज करते हो तो कॉलम में जनरली M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया जाता है और M20 ग्रेड RMC कंक्रीट की कॉस्ट है अप्रोक्स 5500 रुपए पर क्यूबिक मीटर। तो कंक्रीट की टोटल कॉस्ट हो जाएगी कंक्रीट क्वांटिटी इंटू रेट ऑफ कंक्रीट पर क्यूबिक मीटर इजिकल टू 0.1584 × 5500 = 871 रुपए। और अगर आप कंक्रीट साइट पर बनवाते हैं तो 1 क्यूबिक मीटर M20 कंक्रीट बनाने में हमारे 8 तो सीमेंट बैग लगते हैं, 15 क्यूबिक फीट सैंड लगती है और 30 क्यूबिक फीट एग्रीगेट यानी कि गिट्टी लगती है। ये क्वांटिटी कैसे निकली है इस पर हमारी डेडिकेटेड वीडियो है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन में है। तो हमारी कंक्रीट क्वांटिटी आई है इस कॉलम में 0.1584 क्यूबिक मीटर। तो सबसे पहले हम सीमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, जिसके लिए आपको सिंपली इस कंक्रीट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ सीमेंट बैग से, जो है 8 नंबर, तो 12.67 बैग्स आपके सीमेंट लगेंगे। सेकंड, सैंड के लिए कंक्रीट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 15 = 2.376 क्यूबिक फीट और एग्रीगेट = 0.1584 × 30 = 4.75 क्यूबिक फीट। तो मटेरियल की टोटल कॉस्ट हो जाएगी अप्रोक्स 880 रुपए। तो ये तो आ गई हमारी कंक्रीट की कॉस्ट। स्टेप नंबर 2 है स्टील रिइंफोर्समेंट क्वांटिटी कैलकुलेट करने का। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि कॉलम में स्टील क्वांटिटी हमेशा कंक्रीट क्वांटिटी की 1.7% होती है। अगर आप एकदम परफेक्ट क्वांटिटी चाहते हैं तो BBS से जाएं, पर यह थंब रूल आपको एकदम अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी दे देगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 केजी तक का फर्क रह सकता है। तो टोटल कंक्रीट क्वांटिटी आई है हमारी इस कॉलम में 0.1584 क्यूबिक मीटर। तो स्टील क्वांटिटी हो जाएगी 0.1584 × 1.75% = 0.00278 क्यूबिक मीटर। तो वेट ऑफ स्टील हो जाएगा कॉलम में कंक्रीट क्वांटिटी इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील, इसे केजी में कैलकुलेट करने के लिए तो 0.00278 × 7850 स्टील डेंसिटी = 22 केजी स्टील और सरिये का मार्केट रेट पकड़ लो 55 रुपए पर केजी। तो टोटल स्टील की कॉस्ट हो जाएगी आपकी 22 × 55 = 1210 रुपए। अब स्टेप नंबर 3 है लेबर कॉस्ट। पहली है शटरिंग क्वांटिटी और इसकी कॉस्ट L × B × नंबर ऑफ साइड। कॉलम लेंथ है 10 फीट इंटू ब्रेथ है 0.75 फीट इंटू नंबर ऑफ साइड है 4, तो ये आ गई 30 स्क्वायर फीट शटरिंग क्वांटिटी और शटरिंग करने का लेबर रेट है 12 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो टोटल शटरिंग कॉस्ट हो जाएगी 30 × 12 = 360 रुपए। सेकेंड है लेबर कॉस्ट फॉर बार बाइंडिंग। सरी को काटने, मोड़ने और बांधने का लेबर रेट 8 रुपए पर केजी है मैक्सिमम और टोटल स्टील क्वांटिटी है हमारी 22 केजी। तो स्टील की टोटल लेबर कॉस्ट हो जाएगी 22 × 8 = 176 रुपए। थर्ड है लेबर कॉस्ट फॉर कंक्रीट पोरिंग। कॉलम में कंक्रीट पोर करने का लेबर रेट है 15 रुपए पर क्यूबिक फीट। तो टोटल कंक्रीट क्वांटिटी हमारी 0.1584 क्यूबिक मीटर
और 5.625 क्यूबिक फीट। तो टोटल लेबर कॉस्ट हो जाएगी हमारी टोटल कॉन्क्रीट क्वांटिटी इंटू लेबर रेट इज इक्वल टू 5.626 इंटू 15 इज इक्वल टू 85 रुपए। तो एक 10 फीट हाइट तक के कॉलम की टोटल कॉस्ट हो जाएगी कंक्रीट कॉस्ट प्लस स्टील रिइंफोर्समेंट कॉस्ट प्लस शटरिंग कॉस्ट प्लस कंक्रीट पोरिंग कॉस्ट प्लस स्टील बार बाइंडिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 2700 रुपए। तो हमारे एक 9 इंच बाय 9 इंच और 10 फीट की हाइट के कॉलम को बनाने में जो खर्चा आएगा वह आएगा अप्रोक्स 2700 से 3000 रुपए तक। बस अब आपके जितने भी कॉलम है उन्हें एक कॉलम के रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके टोटल कॉलम की कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। तो बस यही इजी सा मेथड होता है किसी भी साइज के कॉलम की कॉस्ट कैलकुलेट करने का। तो आई होप कि अब आप इसे अच्छे से समझ गए हैं और ये जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। इफ यू लर्न समथिंग प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद समवन हु माइट बेनिफिट फ्रॉम इट। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू अवर चैनल माई इंजीनियरिंग सपोर्ट एंड हिट द बेल बटन सो दैट यू वोंट मिस एनी न्यू अपकमिंग वीडियोस ऑन दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।